समस्तीपुर सदर अस्पताल की महिला वार्ड में 50 से अधिक महिलाएं भर्ती है। इनमें नसबंदी की ऑपरेशन व डिलीवरी वाली महिला मरीज शामिल है। समस्तीपुर टाउन मीडिया की टीम ने शनिवार की रात ऑपरेशन पड़ताल के तहत रात के 10 बजे करीब सदर अस्पताल का जायजा लिया तो सदर अस्पताल की कई खामियां उजागर हुई। इस भीषण ठंड में एक भी मरीज को सदर अस्पताल की तरफ से कंबल मुहैया नहीं कराया गया था। वहीं लगभग आधे से अधिक बेडों पर बेडशीट नहीं पाया गया और तो और महिला वार्ड में जिस डॉक्टर की ड्यूटी थी वो भी गायब पाई गई। मौके पर मौजूद कर्मियों से जब इसके बारे में जानकारी ली गई तो बताया गया कि जिनकी ड्यूटी है वो महिला डॉक्टर अभी आई नहीं है, वहीं थोड़ी देर बाद आ जाएंगी। हालांकि महिला डॉक्टर की ड्यूटी रात के 8 बजे से सुबह के 8 के बीच लगी हुई थी, लेकिन रात के 10 के करीब तक वो ड्यूटी पर नहीं आई हुई थी। वहीं सदर अस्पताल प्रबंधन से बात करने पर पता चला कि एक ही डॉक्टर से 3-3 शिफ्टों में काम लिया जा रहा है। इस ऑपरेशन पड़ताल में जगह व बेड की कमी होने की बात उजागर हुई है। सदर अस्पताल के महिला वार्ड के गलियारे में भर्ती एक महिला मरीज ने बताया कि वो डिलीवरी के लिए यहां आई और वार्ड में जगह नहीं होने के कारण एक बेड यहीं पर लगाकर उन्हें भर्ती किया गया। बेड पर सदर अस्पताल प्रबंधन के द्वारा ना तो बेडशीट की व्यवस्था की गई और ना ही कंबल उन्हें दिया गया। वहीं महिला वार्ड से लेकर इमरजेंसी वार्ड तक में कहीं भी हीटर नहीं नजर आया। चांदरपुर मुक्तापुर की खुशबू देवी व मुसरी घरारी की कंचन कुमारी ने बताया कि ऑपरेशन के बाद वो यहां भर्ती है। ठंड का मौसम है लेकिन उन्हें कंबल नहीं दिया गया। उनके परिजन घर से कंबल लेकर आए हैं। हुआ है बच्चा बंद होने वाला। आपका 3 मरीज है? हाँ, 3 मरीज। क्या नाम है मरीज सबका? एगो करीना देवी है, एगो का संगीता देवी है, एगो के लीलम देवी। कंबल दिया गया है? नहीं। अपना कंबल लेके आए हैं? अपना कंबल। कहाँ घर हुआ आपका? पुनास हुआ। आपके मरीज का बच्चा बंद वाला। कंबल दिया गया अस्पताल के तरफ से? नहीं। मरीज का क्या नाम है? खुशबू देवी।